हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन गोयल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 6 ऑफ क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, देखो पिछली क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, व्हाट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड व्हाट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ये एक्सियम था। थ्योरम क्या थी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता है कैसे लगता है, जब वो एक जेड सा बनता ना, जेड बनता उसके कॉर्नर वाले एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। राइट, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट क्या है पहले वो देख लेते हैं अपन, फिर आगे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। राइट, तो लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब देखते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास ये एक लाइन है L, ठीक है, अच्छा एक लाइन है M, है ना, और एक लाइन है N। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है कि L इज पैरेलल टू M एंड M इज पैरेलल टू N। कहने का मतलब क्या है, आपको तीन लाइनें गिवन है, एक है L, एक है M और एक है N। उसमें आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ है कि L इज पैरेलल टू M, M इज पैरेलल टू N। अगर ऐसा है, मतलब लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब ये दो लाइन है वो एक सेम लाइन के पैरेलल है। देखो L M के भी पैरेलल है और N M के भी पैरेलल है, M L के भी है और M N के भी है, मतलब दो लाइंस हैं वो एक सेम लाइन के पैरेलल है, तो वो दोनों आपस में भी पैरेलल होंगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक लाइन L है वो अगर पैरेलल टू M है और एक लाइन M है वो जो पैरेलल टू N है, सो देयरफॉर क्या होगा, L इज ऑल्सो पैरेलल टू N। ठीक है, ये ऐसा होगा। ठीक बात, L अगर M के पैरेलल है, M अगर N के पैरेलल है, तो L N के पैरेलल भी होगा। ठीक है, तो ये अपने को चीजें याद रखनी है ना, ये है लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं अपन, इस चीज का, इस कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन कैसे करेंगे वो अपन आज देखने वाले हैं। राइट, तो क्वेश्चन लिखते ना एक, ओके, सो राइट डाउन द क्वेश्चन इज, है ना, क्वेश्चन में डायग्राम अपने को दिया हुआ है, ये लाइन है एक, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये लाइन है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S है। ठीक है, यहां से ये ऐसा है कुछ, ठीक है, ये X, ये Y और ये पॉइंट M, ये एंगल है 135 डिग्री और ये एंगल है 40 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गिवन है, PQ, PQ इज पैरेलल टू RS, एंगल MXQ इज इक्वल्स टू 135 डिग्री, एंगल RYM इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, और फाइंड एंगल, फाइंड एंगल X M Y। ठीक है, देखो इसमें हमें करना क्या है, हमें क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। हमें ये लाइन PQ जो है वो इसके पैरेलल दी हुई है, ये एंगल 135 का दिया हुआ है, ये 140 का दिया हुआ है, हमसे पूछा क्या है, ये एंगल पूछा है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पीक्यू पासिंग थ्रू एम। मैंने क्या किया कि पीक्यू के पैरेलल एक लाइन खींचा जो कि एम से पास हो रहा है। ठीक बात, तो ये देखो ये ऐसा आ जाएगा, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है,
ऐसा कुछ, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि इसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है और आर एक्स के भी पैरेलल होगा। देखो ये मैंने बोल दिया, मान लो फॉर एग्जांपल टी एन बोल दिया मैंने, लाइन का नाम बोल दिया टी एन। तो टी एन इज पैरेलल टू पी क्यू और पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। सो देयरफॉर अब ये अपन क्या बोल सकते हैं कि टी एन इज ऑल्सो पैरेलल टू आर एस, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा था उसका यूज कर लिया। अब हमें ये एंगल निकालना है पूरा, इसको वन बोल दिया, इसको टू बोल दिया, तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में क्या आ जाएगा, टू फाइंड करना हमें एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है, ठीक है। ठीक है, अच्छा देखो एंगल टू को अगर आप देखो तो एंगल टू होगा 40 डिग्री का, जेड बन रहा है, लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल टू इज इक्वल टू 40 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब बात हो गई एंगल वन की, ठीक है। देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों लाइन एक ट्रांसवर्सल, तो इस वाली एंगल का और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर पैरेलल लाइंस है तो सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ये भी एंगल 1 कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ये वाला एंगल और 1 कितना है, समय 180 डिग्री है, तो एंगल 1 कितना आ गया, 45 आ गया। तो अगर एंगल 145 है, एंगल 2 ये है, तो देयरफॉर अपन को क्या निकालना था, एंगल एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई इज इक्व टू 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्व टू 90 डिग्री, कितना आ जाएगा वो 90 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। कर लेंगे, कर लेंगे ना, कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और हमें थोड़ा क्लियरेंस मिल जाएगा इस टॉपिक से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसमें एक चीज पढ़ी थी क्या, कि अगर एक लाइन हमें ऐसी दी हुई है और एक लाइन दोनों पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम 1:2 होगा। कैसे 1:2 होगा, मैं प्रूफ कर देता हूं। ये एंगल 3 है मान लिया, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अच्छा एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर है क्योंकि, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे एंगल 2 रख दिया एंगल 3 की जगह, तो व्हाट वी गेट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव हो गया ना, ये चीज यहां पे प्रूव हो गई है। इसको बोलते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 180 डिग्री, ठीक है, कर लेंगे ना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को हमने सी का नाम दिया है, इस पॉइंट को हमने ई नाम दिया है, इसको मैंने इससे जोड़ा है, ठीक है। ऐसा इस पॉइंट को हमने डी बोला है, ठीक है। ये एंगल हमें दिया हुआ है 55 डिग्री का, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये पॉइंट एफ है, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी इफ एंगल बी ई एफ इज 55 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो करते हैं ना, देखो कैसे।
ए बी, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 55 है। तो देखो अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी है और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ है, तो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ भी होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर ए बी और ई एफ पैरेलल है तो इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, अभी अभी पढ़ा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयर फोर एंगल बी ए प्लस एंगल एफ ई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। अच्छा एंगल बी ए ई कितना गिवन है? 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है वो। तो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, और गिवन कैसे? ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, ठीक है, सही है। तो यहां से आ जाएगा 90 प्लस एंगल एफ ई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल एफ ई ए इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब एफ ई ए जो एंगल है वो किस किस से मिलके बन रहा है? एक तो ये 55 वाले से और एक जेड से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल एफ ई ए जो है वो एंगल एफ ई बी प्लस एंगल ए ई बी के बराबर है, विच इज 90 डिग्री। एफ ई बी कितना दिया हुआ है हमें? 55। तो ये हो गया 55 प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जेड का वैल्यू आ गया 90 माइनस 55, तो द वैल्यू ऑफ जेड इज 35 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ जेड हमारे पास आ चुका है कितना? 35 डिग्री आ चुका है। जेड का वैल्यू हमने निकाल लिया जो कि कितना है? 35। अब बात कर रहे हैं देखो एक्स की और वाई की, ठीक है। देखो एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अच्छा अब इन ट्राइंगल ए बी ई, इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ई 180 होता है। ए का वैल्यू कितना है? 90 प्लस बी वाला, मतलब ये वाला एंगल ना, इसको 1 बोल दिया, एंगल 1 प्लस एंगल ई मतलब ये जेड, जेड का वैल्यू कितना? 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 55। और अपन डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ये वाला, वो 55 होगा। तो अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको ना, इतना लिखने की जरूरत है नहीं अपने को, तो इसको अपन डायरेक्ट ही लिख लेते ना। अपन क्या बोल रहे हैं कि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, सो देयर फोर एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल एफ ई बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो देयर फोर एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस ए बी ई जो है वो 180 है, लीनियर पेयर, सो देयर फोर एंगल ए बी ई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी ई कितना था? 55 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज वॉट? 125 डिग्री, 125 डिग्री। तो एक्स मेरे पास आ गया, जेड हमने निकाल दिया, अब हमें पता है कि एक्स इज इक्वल टू वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सो देयर फोर वैल्यू ऑफ वाई इज ऑल्सो 125 डिग्री, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो जितना हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, अल्टरनेट वाली चीजें, एंगल एडजेसेंट वाली चीजें, सारी चीज अपन ने यहाँ पे यूज कर ली है, ठीक है। तो कर लेंगे इसको, कर लेंगे, कर लेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल के सारे एंगलों का सम कितना होता है, वो अपन नेक्स्ट चीज में पढ़ रहे होंगे और वहां पे उसको प्रूव भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।